डेथ वेरिएंट। सर्दियों की सुबह, जनवरी का महीना और कॉलेज के बाहर टपरी की चाय कि तभी रेडियो पर आती है लॉकडाउन की खबर। दिल्ली में लगातार बढ़ते केसेस के चलते स्कूल कॉलेज बंद होने का नोटिस जारी। अरे यार, मुझे तो लगता है हमारा पूरा कॉलेज टाइम यू लॉकडाउन में ही ना निकल जाए। हाँ यार, और मैं तुम लोगों को छोड़कर वापस अपने गांव नहीं जाऊंगा। आई रियली मिस्ड यू गाइस। तू चिंता मत कर मेरे भाई, इस बार मेरे पास एक सॉलिड प्लान है जिससे हमारा लॉकडाउन एक इंडोर वेकेशन बन जाएगा। और वो कैसे? क्योंकि जितने पैसे हमारे पास हैं, उतने में वेकेशन के सिर्फ सपने आएंगे। क्यों ना हम एक फ्लैट किराए पर लें और चारों साथ में रहें। भाई प्लान तो बहुत अच्छा है, पर हम अपने बजट का फ्लैट कहाँ से लेंगे? इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। भैया बजट कम है, पर इतना भी नहीं कि चाय की दुकान पर रहना पड़े। अरे नहीं नहीं भाई, वो मैं पिछले साल एक फार्म हाउस पर काम करता था। वहाँ मालिक उनकी गर्लफ्रेंड और 5 साल की बेटी रूही के साथ रहते थे। लोग कहते हैं कि मालिक और प्रिया मैडम को अचानक रात को घर से निकलते देखा। वो दोनों अकेले थे और उनकी बेटी रूही अभी भी उसी घर में है। कहानी तो बुरी नहीं। वैसे तो आपने कभी वहाँ जाकर नहीं देखा? अरे भाई, तुम बस ये बताओ कि हम वहाँ जाएंगे कैसे और किराया कितना देना होगा। मेरे पास फार्म हाउस की डुप्लीकेट चाबियाँ हैं और किराया तो जितना तुम दे सको उतना सही है। बस ध्यान रहे तुम लोग दिन में ज्यादा बाहर ना निकलना, और आज रात ही तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ। चाय वाले की बात मानकर चारों लड़के दिन भर अपनी जरूरतों का सामान इकट्ठा करते हैं और रात होते ही टैक्सी बुलाकर शहर के बाहर फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। बातों बातों में रास्ता कट जाता है और चारों पहुंचते हैं फार्म हाउस। अपना घर? ये भी भला कोई नाम हुआ? अरे ब्रो छोड़ ना, अपना हो या पराया, लॉकडाउन में तो अपना ही समझ। चलो गाइस अंदर चलो, यहाँ बहुत ठंड है। जैसे ही चारों घर के अंदर जाते हैं, उनकी नजर सामने एक कुर्सी पर रखी बहुत ही अजीब सी गुड़िया पर पड़ती है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देते और अंदर चले जाते हैं। घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था। हाँ थोड़ा सा गंदा जरूर था, पर लड़कों को घर बहुत पसंद आया। सबने अपना अपना कमरा चुन लिया और फ्रेश होने के लिए चले गए। अब रात के कुछ 2 बजे का समय था। अचानक से पीयूष के चिल्लाने की आवाज आने लगी। आशीष, शिवम, अंकित, जल्दी आओ! सभी लोग दौड़ते हुए पीयूष की आवाज का पीछा करते हैं। जैसे ही वो पीयूष को देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओह माय गॉड, ये तो हमारी लॉटरी लग गई। लगता है यहाँ रहने वाला आदमी बहुत शौकीन था। भाई मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। चारों लड़के हॉल में बैठकर दारू पीते हैं कि तभी आशीष कहता है, यार इस गुड़िया को यहाँ से हटाओ, कितनी अजीब है ये। और अंकित गुड़िया को उठाकर सीढ़ियों पर फेंक देता है। दारू पीने के बाद किसी को होश ही नहीं रहता कि तभी नशे की हालत में अंकित कहता है, सुनो सुनो यार, तुम्हें उस बच्ची का नाम याद है क्या जिसके इस घर में होने के किस्से मशहूर हैं? चलो आओ उसे ढूंढते हैं। ना बाबा ना, मैं कोई भूत ढूंढने नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, मैं यहीं सोऊंगा। तुम जाओ, और हाँ उसका नाम रूही था, मिल जाए तो मुझे भी बताना। रूही, रूही, तुम यहाँ हो क्या? देखो बाहर आओ। अरे रुको मत, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। तुम्हारे
आशीष को नींद में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और उसकी नजर सामने रखी एक अलमारी पर पड़ती है। वो उठकर देखता है और अलमारी खोलने की कोशिश करता है, पर अलमारी लॉक थी। तभी उसकी नजर अलमारी पर एक अजीब से छेद की तरफ जाती है और आशीष उसके अंदर झांक कर देखने की कोशिश करता है। आशीष अलमारी के अंदर झांकता है और उसे एक लगभग 5 साल की बच्ची बैठी हुई दिखाई देती है। उसके हाथ में वही अजीब दिखने वाली कपड़े की गुड़िया थी। जैसे ही आशीष उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बच्ची खून की उल्टी कर रही थी। ये सब देखकर आशीष बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। आशीष के गिरने से पास ही रखा लैंप भी टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर उसके दोस्त वहां आ जाते हैं। क्या हुआ तुझे? तू ठीक है ना भाई? लगता है इसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। चलो इसे इसके कमरे में छोड़कर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये नशे की वजह से बेहोश है। हालत तो देखो इसकी, कितना डरा हुआ है ये। हाँ यार, इसे उसके कमरे में ले चलते हैं। आशीष को उसके दोस्त उसके कमरे में लेकर जाते हैं और कुछ देर बाद आशीष को होश आ जाता है। आशीष अपने दोस्तों को सारी बात बताता है, पर उसके दोस्त ये समझते हैं कि उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। अलमारी को हम सुबह अच्छे से चेक कर लेंगे। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। आशीष का सोते सोते दम घुटने लगता है और नशे की हालत में जब वो आंखें खोलकर देखता है तो उसकी छाती पर वही बच्ची बैठी होती है और उस पर खून की उल्टियां कर रही होती है। वो बच्ची आशीष का गला दबाकर उसे मार डालती है और उसकी आंखें निकाल लेती है। अगली सुबह सभी आशीष के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि उसका दरवाजा अंदर से लॉक है। ये देखकर अंकित कहता है, ये कैसे हो सकता है? आशीष को कल जैसे हमने छोड़ा था वो उठने की हालत में नहीं था, तो उसने दरवाजा कैसे लॉक किया? कुछ तो गड़बड़ है। दरवाजा तोड़ देते हैं। तीनों लड़के मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं और आशीष को ऐसी हालत में पड़ा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। तीनों लड़के हड़बड़ी में भागते हैं और मदद के लिए किसी को फोन मिलाने लगते हैं कि तभी हॉल से फोन की घंटी बजती है और अंकित फोन उठाता है। हेलो, कौन? अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।